भारतीय जनता पार्टी नगर कार्य समिति की बैठक रविवार को बरमसिया रोड स्थित बर्णवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह नगर के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा एवं संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी एवं जिला के अध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित थे। बैठक को अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार 20 मई से 31 जून तक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर चलाना है और लोगों को केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है। मौके पर कार्यक्रम प्रभारी दिनेश प्रसाद यादव, विभाकर पांडे, सुरेश साहू, चुन्नू कांत प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, प्रोफेसर विनता कुमारी, संगीता सेठ, किरण पांडे, संजू देवी समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद थे। प्रदेश निर्देशा अनुसार पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तरीय मंडल, हर एक मंडलों में कार्य समिति की बैठक करनी थी। इसके निमित्त आज गिरिडीह नगर में भारतीय जनता पार्टी और इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, विभाकर पांडे जी, सुरेश साहू जी, चुन्नू कांत जी समेत भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस नगर कमेटी में जो बनी टोली के संयोजक श्री संजीत सिंह पप्पू जी समेत मेयर, उप मेयर, सभी लोगों की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए कि किस प्रकार से जनसंपर्क अभियान को हम लोग को सफल करना है, आगे बढ़ाना है। उसके निमित्त आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और मैं अपनी ओर से सभी गिरिडीह नगर के अपने पदाधिकारी, नेतागण सभी को आज की इस बैठक की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। नगर कमेटी की कार्य समिति हमारे मित्र हरमिंदर सिंह बग्गा नगर अध्यक्ष के अध्यक्षता में आज संपन्न हुई, जिसमें हम सब ने प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूर्ण होने पे प्रधानमंत्री पूरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे 9वां साल 30 मई को पूरा हो रहा था। 30 मई से लेकर 30 जून तक पार्टी का जो निर्देश है, जो कार्यक्रम है, उसको चलाना है। उसमें गिरिडीह नगर भी अपने पूरे संसाधनों को लगा के हर वार्ड में, 300 वार्ड में हम लोग जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री 9 साल में क्या विकास किया, क्या आपके नज़दीक उन्होंने दिया है, उसको बताने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में देवघर का एयरपोर्ट, देवघर का एम्स हो, रघुवर जी के ही नेतृत्व में यहाँ का समाहरणालय हो, ब्लॉक परिसर का बिल्डिंग हो, NM हॉस्पिटल है, या जितनी भी NH रोड देख रहे हैं, ये सारे प्रधानमंत्री जी के ही 9 साल के कार्यकाल का देन है। उसको जनता के बीच ले जाएंगे और हर दिन का एक कार्यक्रम है। और हमारे अध्यक्ष जी अभी बैठ के हम लोगों ने पूरी उस पर टीम बना रहे हैं कि हर 300 दिन का जो है एक प्रभारी होंगे, वो अपने नेतृत्व में पूरी कार्यक्रम को चलाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत की जनता का, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया 2-2 बार और आज हम ये सब सौगात उनको दे पाए हैं। इसके लिए पूरे झारखंड की, गिरिडीह की जनता का आभार।